ब्रोह कल बड़ जमात मुख्तलिफ वक्त मज गुजरम यमुक मतलब दुनिया तरक कर यानि खुदा सुद तलबगार बन दुनिया परस्ती नश इमे मज हजरत शेख नूरुद्दीन मशहूर तो मरूफ आरिफ यमिच मिसाल आफ्ताब पट रोशन तम दह दिन जिंद जबान सोरी बावस बंद वर्ताव मज तो न सिर्फ दुन कशर शायरी अख सदा बहार तरह बल्कि आवामस मज मकबूल गसलूब क्यों तजुर्ब रंग सोन बिदून गुक कलाम बनो कशर हदीद अखुल आलम पे वक्त अजीम इनकलबी रहनुमा ये समाजी जम्मू कश्मीर के लिए बनाया है रीजनल सेंटर और उसका काम है हमारे पुराने आर्ट एंड कल्चर को रिवाइव करना, निकालना, हमारी तहजीब को बचाना, बरकरार रखना और हम उसी काम में लगे हैं। और मुझे लगा कि उसकी शुरुआत शेखुल आलम से पहज़ादा इंदिरा गांधी जन्मभूमि बुनियादी स्टेट सब्जेक्ट है और कहीं कहीं पर कभी कभी फोकस कभी कोई रह जाता है। मुझे लगता है जिस तरीके से लोग आते हैं हमारे पास, चाहे एनजीओ हो, चाहे सिविल सोसाइटी हो, या जैसे आज सर साहब सठा मेहनत करो पता लगे टूरिज्म प्रमोशन और आर्ट एंड कल्चर का प्रमोशन बहुत जरूरी है पूरे डिस्ट्रिक्ट में। जैसे आप जानते हैं कि टूरिज्म प्रमोशन के लिए हमने बहुत सारे फेस्टिवल किए थे और लॉन्ग ड्यू था हमारे लिए कि एक आर्ट एंड कल्चर का एक फेस्टिवल किया जाए जिसमें सूफियाना कलाम और म्यूजिक को बढ़ावा दिया जाए, ऐसे आर्टिस्ट को लाया जाए जो कि हमारे जो सेंट्स है यहाँ पर जो रहे, जैसे नंदरीश हो गया या बाकी सारे पॉइंट्स है, उनका कलाम पेश किया जाए और इसको बढ़ावा दिया जाए ताकि हमारी यंगर जनरेशन है उनको पता चले कि दैट हमारा कल्चर क्या है और हमारा आर्ट क्या है। और इसी के चलते हम लोगों ने आज ये प्रोग्राम इनका किया है जिसमें हमें हमारे साथ इंदिरा गांधी सेंटर फॉर आर्ट जो है न्यू दिल्ली से वो कोलैबोरेट कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि कल भी हुआ ही अहरबल में और आज मिनी सेक्रेट में हमने किया। बहुत सारे आर्टिस्ट आए हैं और वो अपना जो फनकारी पेश कर रहे हैं और मुझे लगता है ऐसे प्रोग्राम आगे भी करते रहेंगे।